हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे दोपहर के 3, यानी कि शाम के 3 बज चुके हैं और मैं गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, तो काफ़ी लेट हो गया और ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था मेरे बेद आज, और मुझे डांट भी पड़ी। वेल कोई बात नहीं, तो उसमें हार मिल गई। मैं अभी सब्जी गर्म कर रही हूँ और उसके बाद में मैं चावल उठा दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ना किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि बेटे ने बनाने के लिए दिया ही नहीं मौका, बोल रही थी उसने बनाने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ और उसके पहले मैं सब्जी, ये एक्चुअली कल की सब्जी है, काफ़ी सारी बच गई है, यानी हम 3 लोगों के लिए सफिशेंट है। इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर दूँगी, अभी थोड़ा सा जम गया, उसके बाद उसको बर्तन में ट्रांसफ़र करके फिर मैं इसमें चावल बिठा दूँगी। एक सीटी में ही चावल रेडी। रौनक, आमा को भी पूछ लो। आम हे भगवान, मेरी कुकर की हालत आज क्या हो गई है, हे भगवान। ये होता है कुकर फटने का पूरा पूरा डर, बिल्कुल चांसेस। अंजलि मैम बोल रही है आज घर आ जाना। ऐसा करो, ये लो और तोड़ खोल दो। भगवान गाइज, ये देखिए आज हमारे घर में क्या हो गया, कुकर की हालत। शुक्र मनाइए कि कुछ हादसा नहीं हुआ, बड़ा हादसा बट ठीक है। हे भगवान, मैंने डर के मारे यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया डर के, बट ठीक है, कुछ हुआ नहीं। मैंने एक्चुअली में क्या किया, चावल पड़े थे थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैंने ना चावल बिठा के उसी के ऊपर चावल डाल दिया। आई थिंक पानी ज़्यादा हो गया शायद, बट इट्स ओके, हादसा होते होते बच गया। देखिए गाइज, चावल की हालत यहाँ पे देखो हालत देखा आपने, इतना डरावना हो रखा हुआ है और ये यहाँ पे पी पी करने जा रहा है। कोई बात नहीं है, मैं अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर जॉब जाएगा ट्यूशन, फिर उसके बाद आज दिन का शेड्यूल खत्म। जैसा कि गाइस, आज हादसा होते होते बची है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। जिस तरीके से मेरे यहाँ पे हुआ, तो इससे क्या होता है, घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है, तो मैं तो खैर टल गई, बच गई, थैंक गॉड। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही छोटा सा मिनी ब्लॉग मैं एंड करने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।